हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आपने मेरा एल्कीन का ऑपरेशन वाला वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। एक वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट ऑपरेशन किया था, एक में पार्शल किया है। आज भी मैं पार्शल कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो लेक्चर में डिफरेंट ये होगा कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उन पे भी ऐड हो सकते हैं या फिर उनको छोड़ करके दूसरी जगह पे भी ऐड हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या रिएजेंट होंगे और कैसे करना है वो आप देखिए इस वीडियो लेक्चर में। तो ध्यान से देखिए ट्रिक का पॉइंट कि अगर कहीं पे भी आपको H+H2O दिख जाए, एक तो रिएक्टेंट फिक्स हो गया, एल्कीन होगा, राइट? एल्कीन के साथ H+H2O दिख जाए या उसी को H3O+ भी लिख सकता है, राइट? या फिर HCl HBr विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4, HCl इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, राइट? नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर पोलर सॉल्वेंट हो गया तो आपको बता रखा हूँ कि फिर वो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होंगे उन्हीं दो कार्बन पर ऐड होंगे, बट यहाँ पे वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं या शिफ्ट होने के बाद भी। तो ये दो रिएजेंट फिक्स हो गए कि एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ H+H2O दिख जाए या H3O+, और एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl HBr दिख जाए इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो करना क्या है? तो वेरी सिंपल, आपको कार्बोकैटायन बना लेना है। कौन सा साइड? क्योंकि दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इस कारण पे बनाना है कि उस कारण पे, तो उधर बनाना है जिधर स्टेबल हो जाए वो कार्बोकैटायन, राइट? स्टेबल साइड पहले कार्बन पे प्लस ले आना है, कार्बोकैटायन बनाना है। फिर अगर वही सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजिशन है तो वहीं पर ऐड कर देना है, अदरवाइज अगर शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले रीअरेंज कराना है, उसके बाद आपका निगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है। ट्रिक का ये पॉइंट है, समझ गए? और ये कब करना है? जब ये दो रिएजेंट आप लेंगे। पहले वाले रिएजेंट लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, क्योंकि एक कार्बन पे H जाएगा और एक कार्बन पे OH, डैट मीन्स अल्कोहल मिल जाएगा इस केस में आपको, तो इसलिए उसका नाम रहेगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और अगर दूसरा वाला रिएजेंट लोगे तो एक कार्बन पे H जाएगा और एक कार्बन पे आपका हेलोजन X जाएगा, राइट? तो इसलिए उसका नाम होगा हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। एक पे हाइड्रोजन जाएगा, एक पे हेलोजन। वो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हाइड्रोजन हेलोजन जाएंगे या अलग कार्बन पे, वो डिसाइड होगा यहाँ से, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट वीडियो लेक्चर में बताया है आपको। नेक्स्ट जो डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, HBr, सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में, और पर ऑक्साइड होगा तो ध्यान दें, ओनली HBr होगा तो HCl होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, HI होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड दिख जाए। पर ऑक्साइड कैसे दे सकता है? H2O2, कोई भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच पर ऑक्सी लिंकेज हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो अगर HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड दिख जाए तो उस केस में आपको ध्यान देना है जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वहीं पे आपको ऐड करना है ब्रोमीन। यहाँ पे वही दो कार्बन पे ऐड होंगे, और ऐड कैसे करना है? तो एंटी मार्कोनिकब। एंटी मार्कोनिक का मतलब क्या हो गया कि ब्रोमीन को वहाँ पे ऐड करो जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। पॉइंट को क्लियरली समझेंगे, इस केस में जब भी HBr परऑक्साइड होगा तो जो दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होंगे वहीं पे एक पे H जाएगा और एक पे Br जाएगा। H किस पे जाएगा वो छोड़ो, Br किस पे जाएगा वो क्लियर हमें, Br को आपको उस कार्बन पे ऐड करना है जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। इस इफेक्ट का नाम को बोलते हैं खराश इफेक्ट, एक और नाम दिया जाता है, बट ये कौन सा करेगा? ओनली HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। अगर सिर्फ HBr होता तो आप ध्यान से देखो फिर यहाँ आ जाता, परऑक्साइड होगा तब ये करना है। और तीसरा हेलोजन लाइक Cl2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट लिखा हो, या H2 फ्रीक्वेंसी लिखा हो, या UV लाइट लिखा हो, इस टाइप से कुछ भी लिखा हो, और क्लोरीन या ब्रोमीन हो, तो इस केस में बिल्कुल अलग चीज़ है, एलाइलिक पोजीशन पे आपको हेलोजन लगाना है। कहाँ पे? एलाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन का क्या मतलब है? जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन पे, और वो कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3, डैट मीन्स वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो उस पर आपको क्या लगाना है? हेलोजन लगाना है। बात समझ में आ गई? तो अब हम बात करते हैं इसके अप्लीकेशन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि ये एल्कीन है इन प्रेजेंस ऑफ H+H2 है, राइट? तो आपको क्या करना है? आपको बताया कि पहले आपको कार्बोकैटायन बना देना, राइट?
ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इस कारण पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो मैं जस्ट बना के दिखा रहा हूँ क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि हमने क्या किया, ध्यान से देखो, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, इससे क्या मिलने वाला है, एक हेच और एक ओ एच, पहले हेच प्लस को ऐड कर देना है। तो हेच प्लस एक्चुअली किस कारण पे गया, इस कारण पे। इसी पे क्यों ऐड किए, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने से क्या फ़ायदा हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस आया और ये प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल होंगे, कार्बोकटाइन 2 डिग्री कार्बोकटाइन स्टेबल होगा, इसलिए आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद आपको ओ एच लगा देना है। अभी ये कार्बन पे प्लस जो चार्ज है वो यहीं पे रहेगा, क्योंकि यही सबसे इसकी स्टेबल पोजीशन है, तो अभी ये कहीं पे भी रीअरेंज नहीं होगा। तो आप OH फिर ऐड कर दो और आपको ये मिल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ध्यान से देखो, H3 प्लस है, आपको मालूम है इससे एक H प्लस है हमारे पास और एक OH माइनस है। पहले H प्लस को ऐड कर देंगे, वो तो सिंपल है। आप ध्यान दो कि इस कार्बन पे ऐड करोगे कि इस कार्बन पे, तो डेफिनेटली इधर वाले पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहले केस में आप ध्यान से देखो, 5 मेंबर रिंग बना लो आप, इधर ये था, इस कार्बन पे प्लस किया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था और एक और CH3। क्यों किया, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन हो गया और 3 अल्फा हाइड्रोजन भी इसके पास है, तो ये स्टेबल है, इसलिए कार्बोकटाइन हम इस साइड नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिंग वाले कार्बन के जस्ट आउटसाइड वाले कार्बन पे, तो हमने इसका ट्रिक आपको दे रखा है, इस पे 1 कर देना है, 2 उसके बाद रिंग में जाना है, 3 4 5 6, उसका हमने बोला था आंख बंद करके आप 6 मेंबर की एक रिंग बना लो, जहाँ से मन करे वहाँ से नंबरिंग। ध्यान से देखो, मैं इधर से नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, जहाँ से मन करे नंबरिंग कर दो और कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज आप डाल दो। उसके बाद आप ध्यान से देखो क्या है, ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ये सब तो रिंग में आ गए हैं। ध्यान से देखो तो 2 पे ही क्या होगा आपका, एक मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, तो 2 पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और एक मिथाइल ग्रुप कहाँ पे, ध्यान से देखो, 1 पे, तो 1 पे लगा दिया। ध्यान से देखो, 1 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे एक मिथाइल लगा हुआ है, वो लगा दिया। बहुत सिंपल है रीअरेंज कराना। उसके बाद ये कार्बोकटाइन यहीं पे स्टेबल है, क्यों, 3 डिग्री है और 3 और एक 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो स्टेबल है। तो अब आपको OH माइनस यहाँ पे ऐड कर देना है और आपका प्रोडक्ट हो जाएगा ये, सिंपल। तो क्या चेंजेज क्या हुआ सर पहले वाले से, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था वहीं पे आपका हेच और ओ एच ऐड नहीं हुआ है। हेच तो चलो उसी कारण पे हुआ, ओ एच ध्यान से देखो घूम फिर के रीअरेंजमेंट होने के बाद कहीं और जाकर के ऐड हुआ है। इस केस में बाय द वे वैसा हो रहा है कि उन्हीं दो कार्बन के बीच ऐड हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक हेच आया, यहाँ पे एक ओ एच आया, तो यहाँ पे तो वैसा ही केस है बाय द वे। तो इसलिए मैंने वो पॉइंट लिखा था कि अगर कार्बोकटाइन वहीं पे स्टेबल है तब तो वहीं पे ऐड हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले रीअरेंज होगा फिर ऐड होगा, तो इसलिए इसमें दोनों तरह के चेंजेज होंगे, उसको आपको कार्बोकटाइन बना करके ही देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो, H प्लस H2O है, एल्कीन है, तो हम कार्बोकटाइन बनाएंगे, राइट। तो कार्बोकटाइन आप बनाओगे किस साइड, यहाँ पे, क्योंकि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे नहीं बना सकते, राइट, यहाँ पे बनाना है। अब ध्यान से देखो, तो ये 2 डिग्री है, यहाँ से ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है वाया हाइड्राइड शिफ्ट, तो H माइनस शिफ्ट कर दो। H माइनस शिफ्ट मतलब समझे, आपको वहाँ का H यहाँ ले आना है, प्लस को वहाँ ले जाना है, तो इसलिए स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं देखेगा, सिर्फ प्लस यहाँ आ जाएगा। अब ये मॉस स्टेबल पोजिशन होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री हो गया और 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गया इसके पास। तो अब आप OH ऐड कर देंगे, OH माइनस, तो आपका प्रोडक्ट ये मिलेगा। तो क्या चेंजेज क्या हुआ कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वहीं पे दोनों पार्ट ऐड नहीं हुआ है, एक पार्ट हेच यहाँ ऐड हुआ है जरूर, लेकिन OH इस कार्बन को छोड़ करके इस कार्बन पे हुआ है। तो ये चेंजेज होंगे इन सब रिएजेंट में। वैसे एक और केस, H3O+, इन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, पहले हम कार्बोकटाइन बनाएंगे, इधर ये स्टेबल होगा, राइट, क्योंकि 3 डिग्री हो गया। अब ये यहीं पर स्टेबल है, रीअरेंज नहीं होगा, तो यहीं पर आपको OH माइनस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, ध्यान से देखो कि जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था वहीं पे एक जगह पे H, एक जगह पे OH ऐड हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है
कि उन्हीं दो कारण के बीच हो, लेकिन कब होगा, जब वही सबसे स्टेबल पोजीशन होगी। नहीं तो कारों का टर्न बनाओ, रीअरेंज कराओ, रीअरेंज का मतलब उसको पहले घुमाओ फिराओ, फिर उसके बाद OH- माइनस जा करके वहाँ पे लगाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखो, तो आपको HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो पहले कारों का टर्न बनाना, राइट, इस कारण पे बनाएंगे क्योंकि 2 डिग्री होगा, स्टेबल होगा, तो बाकी चीज़ों को आप वैसे ही रहने दो, राइट। और यहाँ पे आपने बना दिया ये प्लस, उसके बाद यहाँ पे रिंग एक्सपेंड मत कराना क्योंकि ऑलरेडी ये 6 मेंबर है, 6 मेंबर सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अब क्या होगा, ये जो मिथाइल है ये शिफ्ट होंगे, तो एमी शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, तो क्या करना है, इसको आपको यहाँ पहुँचा देना, पॉजिटिव को यहाँ ले आना है। तो ध्यान से देखो, वेरी सिंपल, हमने क्या किया, यहाँ पे का मिथाइल यहाँ लगा दिया और प्लस यहाँ पे ले आया, राइट। अब ये जो कार्बन का टर्न है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि 2, 2, 4 और 1, 5 अल्फा हाइड्रोजन है और 3 डिग्री ऑलरेडी हाई स्टेबल है। अब आप Br- को ऐड कर देंगे और आपका प्रोडक्ट बन करके हो जाएगा तैयार। तो ये आपके हो गए प्रोडक्ट। तो अगेन आप ध्यान से देखो क्या हुआ कि H तो यहाँ पे जरूर लगा लेकिन Br यहीं पे नहीं लगा, Br देखो शिफ्ट होकर के लगा, इसलिए ये वो केस है जहाँ पे कार्बो का टैन बनेंगे, फिर शिफ्टिंग होगी, फिर उसके बाद आपको निक्लोफाइल को ऐड करना है। सिमिलरली इस केस में 2 मोल्स HBr लिए गए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बो का टर्न बनेगा, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री होंगे और अल्फा एच ज़्यादा होंगे। बट इस केस में इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट या फिर माइनस आई, तो कार्बो का टर्न यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे जितना दूर होगा इससे उतना अच्छा है, राइट, क्योंकि स्टेबिलिटी को ये कम करते हैं कार्बो का टर्न की। तो आपको कार्बो का टर्न कहाँ कहाँ पर बना के दिखाना है, एक तो यहाँ पे क्योंकि स्टेबल होगा, और यहाँ पे NO2 लगा है तो यहीं पे नहीं, यहाँ पे दूर पे, ताकि ये इससे दूर रहे, राइट। अब उसके बाद आप Br- को ऐड कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा तैयार। तो इस केस में हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे। सिमिलरली इस केस में HCl, राइट, तो अगेन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कार्बो का टर्न यहाँ पे स्टेबल है, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री है, राइट। उसके बाद रीअरेंजमेंट हो जाएगा H- शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट होकर करके आपका प्लस यहाँ पे आ जाएगा, फिर Cl- को ऐड करना है। तो बस ये पॉइंट्स आपको आपको ध्यान में रखना है, फिर Cl- को ऐड करना है। सिमिलरली इस केस में वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, फिर से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप था और इसी पे प्लस लाना और इस पे एक और मिथाइल हो जाएंगे, राइट। एक ये मिथाइल, इसको ऐसे दिखा दिया, चाहो तो लिख दो CH3, और इस पे एक और हाइड्रोजन ऐड होने से CH3। अब अगेन ये 4 मेंबर रिंग है, उसके जस्ट बाहर वाले पे पॉजिटिव है, तो अब रिंग एक्सपेंशन होगा, तो इसको 1 देंगे, इसको 2, 3, 4, 5। तो आपको मैंने बोला कि आप 5 मेंबर रिंग आँख बंद करके बना लें, जहाँ से मन करें नंबरिंग कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 2 पे आप दे देंगे पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ध्यान से देखें, 1 पे ही इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 1 पे, तो 1 पे लगा दो 2 मिथाइल। उसके बाद मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, अभी भी ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, एमी शिफ्ट, मिथाइल यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे, तो आपका इस टाइप से हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पे। उसके बाद आपका निक्लोफाइल Br- को आप ऐड कर दें, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, आप देख सकते हो ये। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, HBr है और अगेन एल्कीन है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे कार्बो का टर्न ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव सिंगल और ये pH मतलब बेंजीन रिंग है, तो रेजोनेंस में जाएंगे, तो इसलिए आपको कैसे करना है, pH और यहाँ पे Br लगा हुआ, आपका Br यहाँ पे लगेगा क्योंकि कार्बो का टर्न यहाँ पे स्टेबल होंगे, राइट। यहाँ पे HI है तो आपको मालूम ही है, फर्स्ट केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे कार्बो का टर्न बनाओगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो मिथाइल शिफ्ट होगा, एक मिथाइल यहाँ जाएगा पॉजिटिव यहाँ, तो मिथाइल शिफ्ट कर दो आप, राइट, और यहाँ पे पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे आपको I- लगाना है, तो आपका ये प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में HCl है, एल्कीन है, राइट। तो पहले केस में तो आप क्या बनाएंगे, कार्बो का टर्न आपको बता रखा हूँ कि आपको पहले
कार्बन का टर्न बनाना और वो यहीं पे स्टेबल होगा इस वाले कार्बन पे, क्योंकि 3 डिग्री हो जाएंगे। अब ये कार्बन का टर्न ध्यान से देखो, 5 मेंबर रिंग के जस्ट आउट साइड में, तो आपको रिंग एक्सपेंशन कराना है 1 2, किधर भी साइड जा सकते हैं कोई सब, 3 4 5 6 राइट। अब आपको बता रखा हूँ कि आप 6 मेंबर रिंग बना लो, तो ध्यान से देखो ये पहले से थी, इसमें 6 मेंबर रिंग आप बना दो। नंबरिंग यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 और 5 नंबर कार्बन आपका फिक्स है, क्योंकि वो दोनों कॉमन है, तो 4 5 कर दो तो ये हो गया 6, तो इधर 3 इधर 2 इधर 1 ऐसे कर दो। आप ध्यान से देखो कि 2 पे मैंने आपको बोला कि 2 पे पॉजिटिव देना, और 1 पे ही यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो 1 पे 2 मिथाइल आप लगा दो, वेरी सिंपल। उसके बाद अगेन मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा राइट, तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहीं पे आपका Cl ऐड कर देना है, तो फाइनली Cl आप यहीं पे ऐड कर दो और आपका ये प्रोडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में अगर सपोज को रिएक्शन HBr से करा रहे हैं तो अगेन इस कारण पे पॉजिटिव स्टेबल होगा, ये सिमिलर टू दिस केस है। क्यों? क्योंकि इस कारण पे प्लस आएगा तो पॉजिटिव सिंगल डबल से रेजोनेंस हो जाएंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, CH CH2 CH3 हो जाएगा और इस पे आपको Br ऐड कर देना। ध्यान दे बेंजीन वाले डबल बॉन्ड को टच नहीं करना है, क्योंकि आपको बता रखा हूँ वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं वो, तो HBr उसको पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए अगर आपको कहीं पे ऐसा केस आ जा रहा है कि बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन आपको नहीं कराना है, क्योंकि ये बेंजीन का डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी नॉर्मल कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि ये एल्कीन और HBr इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से देखो परऑक्साइड है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी शिफ्टिंग वगैरह नहीं करना है। आपको बोला है कि Br कहाँ पे ऐड करना है, जिस कारण पे डबल हाइड्रोजन है, और H और Br उसी कारण पे ऐड होंगे जिन दो कारण के बीच डबल बॉन्ड है, तो राइट। तो CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 राइट। Br इस कारण पे ऐड होगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो Br आपका यहाँ जाएगा और H यहाँ, यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन कोई शिफ्टिंग नहीं, तो इसलिए ये एंटी मार्कोनिक है, क्योंकि अगर H2O2 नहीं होता, ध्यान से देखो H2O2 नहीं होता सिर्फ HBr होता, तो फिर आपका Br यहाँ पे ऐड होता, क्योंकि यहीं पे कार्बोकैटायन स्टेबल था राइट। सिमिलरली HBr H2O2 है, एल्कीन है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखो ये वाले कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है राइट, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको Br ऐड करना, यहाँ पे H ऐड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है कि इस केस में नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो ध्यान से देखो ये कार्बन भी आपका कायरल हो चुका है, चारों ग्रुप डिफरेंट, और ये कार्बन भी कायरल हो चुका है, चारों ग्रुप डिफरेंट, इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 की पावर 2 डेट इज 4 हो जाएंगे राइट। और अगर सिर्फ HBr होता है, H2O2 नहीं होता, तो आप ध्यान से देखो आप क्या करते हैं, पहले आप एक कार्बोकैटायन बनाते राइट, और कार्बोकैटायन यहीं पे बनाते हैं क्योंकि यहीं पे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद यहीं पे स्टेबल है क्योंकि 3 डिग्री है, अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा है, तो अब आप Br ऐड कर देते तो आपका Br यहीं पे ऐड हो जाता। ध्यान से देखो तो ये कार्बन कायरल नहीं हुआ, क्योंकि इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछता है तो 1 होता, इसीलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए आपको रिएजेंट को केयरफुल्ली ऑब्जर्व करना है कि क्या है, थोड़ा सा चेंज होगा सब कुछ चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कि इसको बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड राइट, शॉर्ट फॉर्म में NBS लिख सकते हैं, तो इसका भी वही काम है जो काम आपका हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट HF या लाइट लिख दे राइट, या UV रेज लिख दे आपका राइट, जो काम यही करेगा वही काम आपका NBS भी करेगा, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड भी करेंगे राइट। ओनली थिंग इज कि यहाँ पे ब्रोमीन होगा तो होगा, या क्लोरीन भी होगा तो यहाँ पे ब्रोमीन ही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे ब्रोमीन लगे होते हैं। नाउ करना क्या है, तो जैसे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दे दिया या NBS, तो एलाइलिक पोजिशन पे, ट्रिक का पॉइंट ध्यान से देखो, एलाइलिक पोजिशन पे, तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
डबल बॉन्ड को इस केस में कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रहे, इन सब केस में डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करना है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, उस पर आपको ब्रोमीन लगा देना है। सिमिलरली ब्रोमीन लाइट है या NBS, तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को वैसे ही रह देना है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे ब्रोमीन ऐड कर देना है, इस केस में केयरफुल रहना है। सिमिलरली ब्रोमीन यूवी लाइट है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके बगल वाला कार्बन यहाँ है तो इस पे लग जाएगा, राइट, बाकी चीज को वैसे ही रहने देना है। तो यहाँ पे आपका CN था, डबल बॉन्डेड कार्बन CH2 CH3, तो उसके बगल वाले कार्बन पे BR लगा देना। सिमिलरली क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट है, अगर एक्सेस में हो तो जितने भी एलाइलिक पोजिशन है सब पे लगाना, राइट, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये भी एलाइलिक पोजीशन है और ये भी एलाइलिक पोजीशन है, इसीलिए आपको दोनों जगह पे क्लोरीन लगा देना है, बट डबल बॉन्ड को टच नहीं करना है, ये पॉइंट ध्यान में रहे। तो जब भी हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट या NBS हो तो डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे जिसका हाइड्रोजन sp3 है उस पर आपको लगाना है हैलोजन। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इस टाइप से कभी क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं, HCl है, उनको लगता है ये कार्बन का टर्न ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 2 डिग्री है, बट बेटा यहाँ पे ध्यान देना है 3 फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो यहाँ पे कार्बन का टर्न अनस्टेबल होगा, इसलिए इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन का टर्न इधर बनाना पड़ेगा, इसलिए यहीं पर आपको Cl ऐड करना और इधर में H, इस बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। सिमिलरली इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कार्बो का टैन अगर बनाएंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव से रेजोनेंस होगा क्योंकि इसका प्लस M इफेक्ट होगा, तो इसलिए इस केस में जरूर है कि आपको इस कार्बन पे ही BR लेके आना पड़ेगा, तो इस पर H लगेगा और इस पर BR। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर HBr और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनाना है, डैट मीन्स करना क्या आपको कि पहले तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, राइट, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो करके यहाँ पे पॉजिटिव ही है, और अभी BR आपको नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव सिंगल डबल से रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस आप करा लो और यहाँ पे आप पॉजिटिव ले आओ वाई रेजोनेंस, उसके बाद आप यहाँ पे BR ऐड कर दो तो आपका प्रोडक्ट इस टाइप का रहेगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ, जो एल्कीन मिला वो ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा H, यहाँ पे 3 अल्फा H है और यहाँ पे 2 अल्फा H, 8 अल्फा H है, इसलिए हम TC बोलते हैं उस प्रोडक्ट को, थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट आपको बनाना है ऐसे केस में, तो इम्पोर्टेंट है ये। सिमिलरली अगर HBr एक्सेस में है तो यू नो यहाँ पे तो क्लियर हमें कि यहाँ पे कार्बो कटन ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट, और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इधर से ब्रेक करोगे तो कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, राइट, तो इधर से ब्रेक करेंगे तो इसको H मिल जाएगा आपका और उसको BR मिल जाएंगे, राइट, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऊपर से तो आपका हो जाएगा इधर से फिनॉल H आ गया और यहाँ पे CH पे CH3 था और इस पर क्या होना जाएगा, BR, क्योंकि यहाँ पे कार्बो कटायन स्टेबल होंगे। तो आई होप ये सारे प्रॉब्लम और ये सारे कंसेप्ट और ये सारे ट्रिक आपको समझ में आ गए होंगे, आप इस पर बेस आप कोई प्रॉब्लम कर सकते हो अगर आपने रफ़ी सर को सही से फॉलो किया तो। थैंक यू।